डेयर स्टूडेंट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द सस्टेनेबल डेवेलमेंट टीचिंग एथिकल एंड पोलिटिकल चैलेंजेस पहले हम एथिक्स को अंडरस्टैंड करें एथिक्स क्या होता है बुनियादी तौर पर एथिक्स का मतलब ये है स्टैंडर्ड ऑफ गुड एंड बैड वैल्यूज का मतलब क्या है स्टैंडर्ड ऑफ गुड एंड बैड इन दोनों में अगर हम फर्क देखना चाहें तो आमतौर पर जो वैल्यूज होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं सुपर फोर्स मैं मुसलमान हूं तो मेरा वैल्यू सिस्टम जो है वो अल्लाह सुबहाना ने ड्राइव कर दिया है गुड एंड बैड डू एंड डोंट वो एथिक्स क्या वो तमाम कवानी जो हमने वजह किए हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशन हमने बनाए हैं वो हमारा एथिक्स है अब देखें कि जब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की टीचिंग करते हैं तो उसके अंदर कुछ हमारे पास एथिकल और पॉलिटिकल चैलेंज आते हैं वो एथिकल चैलेंज क्या है यानी यूं समझ लें ऐसे तमाम चीजें या ऐसे तमाम टास्क या ऐसे यू समझ एज्यूम करने के पैटोगोजिकल चैलेंजेस जो है हमारे पास सामने आते हैं फॉर म्यूजियम एजुकेशन फॉर एग्जांपल म्यूजिक की बात करते हैं फॉर एग्जांपल हम ट्रेडिशन टीचिंग की बात करते हैं आप देखें जहां पे मैं उसको आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा समटाइम्स हमारे पास ये है कि हमारी जो टीचिंग प्रोफेशन है उसकी ये रिक्वायरमेंट है कि हमने जो ऑब्जेक्टिव डिफाइन किए हैं हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में सम टाइम हमारे पास पॉलिटिकल हर्डर्स होती हैं सम टाइम हमारे पास कुछ इमोशनल डायमेंशंस हैं सम टाइम्स कुछ हमारे ट्रेडिशंस हैं टाइम्स हमारे कुछ रिलीज़स इश्यूज़ आ जाते हैं जहाँ पे आते हुए हम अपने टीचिंग प्रोफेशन को उस तरीके से प्रॉपर अप्रोप्रिएट तरीके से प्रोफेशन को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते चीज़ों को जिस तरह उसे करना चाहिए वो हमारे पास चाहे एथिकल हो पॉलिटिकल हो या इमोशनल हो हमने इन डायमेंशन से बाल होकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को सामने रखते हुए हमने अकॉर्डिंगली टीचिंग करनी है